तो ये एक कहानी जो है आपको ट्रांसपोर्ट कर जाएगी कई साल पहले। एक फील गुड प्रोजेक्ट है हाफ पैंट्स फुल पैंट्स, और जैसा मैंने ट्रेलर देखा है, पता है आपको जब पहले एक नरेशन मिलती है उसके बाद आप सोचते हैं जब आप बना रहे होते हैं कि क्या वो चीज़ वैसे बनेगी। तो अभी मैंने एक्चुअल पूरा नहीं देखा है, बट जस्ट जो मैंने ट्रेलर देखा, मैंने वी के पी को फ़ोन किया, मैंने कहा वी के पी यू हैव क्रिएटेड व्हाट यू प्रॉमिस्ड, तो रियली एक्साइटेड। और सालों बाद मुझे कोई ऐसा रोल मिला है जिस तरह का रोल मैंने हाफ पैंट्स फुल पैंट्स में किया है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड एज एन एक्टर एक तरह से होता ना कि आपको आपको बांध दिया जाता है कि आप सिर्फ इस तरह के किरदार खेल सकते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी के पी एंड द OML टीम थॉट ऑफ मी इन दिस कैरेक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डन दिस। आनंद सस्पी की किताब है ये जिसके ऊपर उन्होंने बनाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इसके नाम को बदला नहीं। पहले बीच में उन लोगों ने सोचा था कि इसके नाम को बदल देंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैवंट। तो ये कहानी एक छोटे से इलाके के एक बच्चे की है, और मज़ेदार बात है कि उस बच्चे ने बड़े होकर इस कहानी को लिखा है। तो आपको इसमें ना कुछ बचपन की यादें, किसी की पर्सनल बचपन की यादें आपको सुनाई देगी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार मैं भी अपनी कहानी लिख सकता हूँ। दरअसल मैं अभी पहुँचा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि अभी क्या क्या आए हैं, लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, लोगों को पसंद आ रही है चीज़। अगला रोल मेरा ड्रीम रोल है, अगला रोल जो भी मिलेगा। तो एक अभिनेता के रूप में आप प्रोफेशनली काम करते हैं, और आप जो प्रोफेशनल एक्टर होता है ना दोस्त, ये एक अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उसका जो जवाब होगा हर एक्टर के लिए वो ये है कि वो जब उसको एक काम मिलता है, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन वी गेट आवर नेक्स्ट जॉब, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बहुत अमेजिंगली करें। ऐसे ही करते करते मैंने कोई 250 फिल्में कर ली हैं, यू नो द नेक्स्ट जॉब। और इस साल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगले 4 महीने में मेरी कोई 6 अलग अलग रिलीजेज आएंगी। आज मैं बात कर रहा हूँ हाफ पैंट्स फुल पैंट्स की, और मैं इस रोल के बारे में आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस किस्म का किरदार मैंने नहीं किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस नए अंदाज में मैं खुद अपने आप को बहुत सालों बाद देखूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सब लोग आए हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हाफ पैंट फुल पैंट्स ये हमारी सीरीज़ अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हो रही है। ये आनंद सस्पी सर ने लिखी हुई एक नावल है इसी टाइटल की, इसी शीर्षक की, हाफ पैंट्स फुल पैंट्स। और जब इसकी कोई फिल्म बनाने वाले थे या सीरीज़ बनाने वाले थे, तो एक बहुत अच्छा नाम पूरी टीम को याद आया था, वो था वीके प्रकाश सर। वीके पी इसके निर्देशक हैं, और मुझे नहीं लगता कोई और अगर डायरेक्टर होता तो वो इतना अच्छे से ये कहानी बता पाता, क्योंकि वीकेपी खुद सदर्न इंडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सारी फिल्में कर चुके हैं, फिल्मों से प्यार करते हैं, वेब शोज से प्यार करते हैं, खुद एड फिल्म मेकर हैं, और पैन इंडिया के सारे राइटर्स एक्टर्स को जानते हैं, अलग अलग लोकेशंस को जानते हैं। और वीकेपी सर में जो एक उन खुद में जो एक प्यार है या वॉर्म्थ है, वो इस कहानी बताने वाले में बहुत ज़रूरी थी। तो आनंद सस्पी ने जिस प्रकार से इस बुक में, मेरे पास साइंड कॉपी है बाय द वे इस किताब की, आनंद ने जिस प्रकार से ये कहानी लिखी है, इसमें कोई उपदेश नहीं है, इसमें कोई मायूसी या दुख दर्द नहीं है, एक बचपन है जो खिलता है और जो उभरता है हाफ पैंट से लेके फुल पैंट तक। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ। मुझे आशीष सर के साथ काम करने का मौका मिला, और मुझे अश्वत के साथ काम करने का मौका मिला। हमारा टाइटल रोल जो निभाता है आनंद, जिसे हम डब्बा बुलाते हैं प्यार से, वो एक बेहतरीन एक्टर है। छोटा सा है हमारा अश्वत, लेकिन मतलब आई कांट टेल यू, इट वॉज़ अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम। उसकी मदर टंग तमिल है, लेकिन वो अलग अलग भाषाएं बोल पाता है, बहुत अच्छा मेमोराइज भी कर लेता है। तो जितना अच्छा पावर हाउस आशीष सर के साथ काम करना अच्छा लगा, उतना ही मज़ा आया अश्वत के साथ काम करना। मैं डब्बा की माँ हूँ,
और एज एन एक्टर कभी कभी लगता है कि आपको इंडस्ट्री को प्रूव करना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आप अच्छे एक्टर हो, तो मीटी रोल्स चाहिए होते हैं जहाँ पे आप गुस्सा दिखा पाओ और रोने धोने का सीन हो या बहुत सुंदर दिखने का सीन हो। इस पूरे सीरीज़ में जो मेरा किरदार है वो बहुत ही ओरिजिनल है, जो देख के हमें शायद याद आएगी किसी किताब की, किसी हमारे रिश्तेदार की, कि हाँ उनमें कुछ प्योरिटी थी, उनमें कुछ अपनापन था, उनमें कुछ मैलिस नहीं था मन में। तो ये कैरेक्टर जो है मेरा वो बिल्कुल वैसा है कि घर में एक कोई ट्रूथफुल इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके मन में प्यार के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो मैं काफ़ी दिनों बाद किसी एक रोल में इतना कंफर्टेबल हुई थी कि मतलब मुझे उसी रोल में रहना था, मुझे वापस ही नहीं आना था अपनी ज़िंदगी में। ना मुझे ट्रैफिक जैम चाहिए था, ना मुझे कोई चिंताएं चाहिए थी डेट्स की, बैंक की, पैसों की, समय की। इतना सहज सुंदर काम था और हमारी शूटिंग में भी वो यूनिटी बनी रही। और आई एम वेरी हैप्पी OML ने ये सीरीज़ बनाई है और Amazon प्राइम अभी दिखा रहे हैं। नहीं, जब डब्बा गुम जाता है तब डब्बा के दोस्त मुझे ढूंढ के आते हैं, कॉन्वेंट के दोस्त, तब मेरे को धक्का मार के थ्रेटन करके पूछते डब्बा कहाँ है बोल, डब्बा कहाँ है बोल, तब मैं रोना शुरू करता हूँ। वो सीन मेरे को बहुत पसंद आया। तेरे को मैं सीन पूरा काटा गया। इट्स टू नाइस। आई डिडंट सॉ, आई वांट टू सी इन द बिग स्क्रीन, बट इन द शूटिंग आई सॉ इट्स, इन द शूटिंग इट्स टू नाइस। श्रीराम इन दिस वेब सीरीज, दिस इज एन ऑसम सीरीज, दिस आई लाइक टू मच बिकॉज दिस इज अ सच अ गुड अपॉर्चुनिटी डैट वी के प्रकाश सर गिव मी। मैं खुद से बोल रहा हूँ, डैट वी के प्रकाश सर गिव मी, इट वॉज ऑसम सीरीज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वन मोर टाइम दिस सीरीज, बिकॉज आई वॉच दिस सीरीज अर्ली एट 5 o'clock, जस्ट सीरीज केम आई वॉच, सो प्लीज वॉच दिस सीरीज एवरी वन on Amazon Prime Video, please watch this. Of course sir, it's your story. हम लोग इधर missing our DOP Jim Ganesh, but he's not here. Sadly he's not here. We'll make it today. It is Deepak and Lisa.